नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN9। मैं हूं श्वेता। राजस्थान के पाली और बाड़मेर से इंदौर आकर भिक्षावृत्ति करने वाले 65 लोगों को सरवटे बस स्टैंड स्थित विजय पैलेस इलाके से पकड़ा है, जिसमें 17 लड़कियों और 24 लड़कियां हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं के पास से कागज जब्त किए हैं। इन पर लिखा है कि उनके पास घर नहीं है, इन्हें दिखाकर यह भिक्षावृत्ति करती थी। मामले में कलेक्टर निशांत वरवड़े का कहना है कि दोपहर में सूचना के बाद चाइल्ड लाइन और महिला सशक्तिकरण अधिकारियों को पुलिस के साथ मिलकर सामूहिक कार्रवाई के लिए कहा गया था। मालिक के द्वारा एक समय तौर पे जो जानकारी दी जाती है उनके द्वारा दी गई थी, और कहीं ना कहीं जैसे आपको बताया, वो हम लोगों को यही सारे फैक्टर्स काम आते हैं जो सूचना मिलने पे, कि भाई इतने दिन से आप आए हो, इतने दिन से रुके हो, जब कुछ सूचना मिली उसको ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने आपको बताया कुछ टीमें हमारे द्वारा तैयार की गई थी कि इन्फॉर्मेशन सही है गलत है, जब उन टीम्स ने वेरीफाई किया कि नहीं नहीं ये पॉइंट जो आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन जो आई है ये सही है, तो जैसा मैंने आपको बताया इसको विधिवत चाइल्ड लाइन CWC और महिला बाल विकास की मदद से फिर एक रेस्क्यू का एक ऑपरेशन इंदौर पुलिस के द्वारा लीड किया गया और उसको चलाया गया है, और बहुत इसमें हमने कामयाबी, और इन बच्चों के लिए अभी हम आगे रेस्क्यू करेंगे। इंदौर शहर के सटे पालाखेड़ी स्थित गांव में जमीन की नप्ती करने पहुंचे तहसीलदार और पुलिस बल को उस समय विवाद का सामना करना पड़ा जब उक्त जमीन को लेकर जमीन मालिक ने आपत्ति ली। मामला पालाखेड़ी गांव का है, जहां 10 एकड़ जमीन की नप्ती करने तहसीलदार पुलिस बल के साथ पहुंचे। उधर जमीन मालिक का कहना है कि उक्त जमीन उनके पुरखों की है, लेकिन सरकारी विभाग उसे अपनी बताकर हथियाना चाहता है। विवाद की ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं है, लेकिन यहां पर सीमांकन किया जा रहा है सरकारी जमीन का, उसी को लेकर नप्ती को लेकर जो है पुलिस बल यहां मौजूद है। गांधीनगर थाना अवकाश पर यहाँ पर व्यवस्था लगाई हुई है और नप्ती की जा रही है। तो क्या इसमें विवाद में दो पक्ष हैं क्या सर, आमने सामने? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें दो पक्ष आपस में विवाद कर रहे हों। सरकारी भूमि और निजी भूमि के बीच का सीमांकन, तो ये जमीन का किसी को दी गई क्या सर? नहीं, ये जानकारी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, जानकारी भी मौजूद है और ये जानकारी संबंधित विभाग से लेना कष्ट कर। जिनसी में वहाँ एक TI आके मेरे को चमका रहे, दादागिरी कर रहे हैं, बोले तुम्हारा अतिक्रमण जो है वहाँ से हटा लो, ये तो आर्यो में देखता हूँ। और 2017 में 5 मार्च 2017 में बेसिक पशुपालक के नाम से मेरा जिंसी का उस तेरी मकान 100 साल पुराना इन आवेद बता के घुसी चढ़वा के तो आया, और ये पवन सिंह ने करवाया, और बोले तो मैं तेरे को केस में डाल दूंगा, डोर का बच्चा भी नहीं था मेरे घर में, केस डाल दूंगा। आज भी बोल रहे मेरे को केस डाल दूं, अभी एक ही TI साहब और बोल रहे हैं तू गुंडा है यहाँ पर, अभी आज भी मेरे को ये बताना किसान नहीं बताना कहीं यार, मैं किसान मोर्चा बना रखा है, मेरे को उपाध्याय बना रखा है किसान मोर्चा, उपाध्याय बना रखा है 25 साल पुराना। आज की खबरों में बस इतना ही, आप देखते रहिए IBN9।